बड़ बिल्डिंग हठात लागिगला निया। घर सारा खाली धुआं आउ धुआं, ना किछि देखा जाउछि ना निश्वास नै हेउछि। एभरी स्थिति रे केमिति उद्धार हेबे भितरे फसिथिबा शिशु ओ महिला, ए दृश्य हेउछि राजधानी रो फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रो। अजणा जगार अधिक धुआं जोगु अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हेले किभळी लोकंकु सेठारु उद्धार करा जिवो से नै चलिछि मॉकड्रिल। केवल सेतिक नुहे, अकातकात गभीर पानी रे बुड़ी जाउथुवा लोकंकु किभळी उद्धार करा जिवो ताहार मध्य डेमो देखाइथिले अग्निशम कर्मचारी। एपरिकी अत्यधिक तापमात्रा रे अग्निशम कर्मचारी माने किपरि स्वतंत्र पोशाक पिंधि काम करिथांती ताहा प्रदर्शन करा जाइथिला। फ्यूचर जदि से सेमती किछि फ्यूचर रे किछि सिचुएशन आउजी दुर्घटना टाइप जोंतरे कि स्मोकी एनवायरनमेंट पेबो, नॉइजी एनवायरनमेंट पेबो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट पेबो, से सिचुएशन को हम एक्जेक्टली एई बीएगलरी माध्यम रे हम ताको देउछु। जेतले एई बीएगलरी माध्यम हम देखौछु गुटे फायर फाइटर कोन करछि गुटे बीएस सेट्स पेदुछि जोंटा कि निस्कु से ऑक्सीजन पाउछि। से राज्य रे बन्या हेउ कि बात्या लोकंकु उद्धार करबाठु आरंभ करि गच्छ काटी रास्ता सफा करबा पर्यंत प्रमुख भूमिका निर्वाह करिथाए अग्निशम टीम। राज्य अग्निशम बाहिनी एबे उन्नत मानर ज्ञानकौशल व्यवहार करथुआ बेले एठारु ट्रेनिंग नेउछंती सेना बाहिनीर जवान ओ अन्य राज्यर अग्निशम कर्मचारी। एबे अग्निशम विभाग युक्रेन युद्ध बेले लोकंकु उद्धार करा जाउथुआ अत्याधुनिक जंत्रपाति किणिबा पई योजना करा जाउथुआ कहिसंती अग्निशम डीजी। युक्रेन युद्ध रे एति लेटेस्ट इंटरनेशनल सिमेंट जो इक्विपमेंट यूज करछंती डिजास्टर किंबा लोकमानक उद्धार करिया पई किंबा टनर उद्धार करिया पई आम मध्य भी चेष्टा करूँ से प्रकार स्पेसिफिकेशन जदि अवेलेबल हम इंडिया रे हबो कि अन्य बाहर हबो आम देखू आम ओडिशा फायर सर्विस जोटा कि आमर अच्छी सर्वभारतीय स्तर में प्रथम स्थान अधिकार कर 2022 रे तेनाली आम देखा जे से भाई लेटेस्ट इक्विपमेंट जोटा कि अंतराज्य बजार अच्छी कि आम भारतीय बजार अच्छी आम से लिखे आम इक्विपमेंट को मध्य भी आम त्वरान्वित करूँ और अपग्रेड करूँ। बन्या और बात्या बेले लोकंकु उद्धार करने को केरल और पश्चिमबंग जाए ऑपरेशन कर प्रशंसा साउंटी अग्निशम विभाग। नूतन ज्ञानकौशल सह उन्नत मानर यंत्रांश व्यवहार हेले राज्य अग्निशम विभाग आहुरी शक्तिशाली हेबो। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रदीप्तों रोशन रथों रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।